स्टॉकजनी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं शानदार स्टॉक IRCTC के बारे में। दोस्तों आपको पता ही होगा आज है 25 नवंबर और भयंकर गिरावट मार्केट में हमें देखने को मिल रही है। निफ्टी हो या सेंसेक्स और बड़े बड़े दिग्गजों में भी दोस्तों भयंकर गिरावट आज के दिन हमें देखने को मिल रही है। वहीं अगर IRCTC की बात करें तो देखिए 2.5% से ज़्यादा की गिरावट हमें यहां पर देखने को मिल रही है। 2.89% की गिरावट IRCTC में भी अभी तक यानी कि 1:30 बजे तक हमें देखने को मिल रही है। 840.50 रुपये पर स्टॉक ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। बाइंग एंड सेलिंग क्वांटिटी की बात करते हो देखिए सेलिंग प्रेशर यहां पर स्टॉक में बना हुआ है। 7,57,000 क्वांटिटी यहां पर सेल होते हुए देखी गई। अगर कंपैरिजन करते हैं बाइंग का तो देखिए बाइंग यहाँ पर कम ही की जा रही है। डिलीवरेबल क्वांटिटी की बात करते हैं तो 37% की मात्र डिलीवरेबल क्वांटिटी यहां पर IRCTC में उठाई गई है। तो फटाफट से डिस्कस करते हैं इसके चार्ट्स के बारे में और जानते हैं क्या रणनीति हमको इस स्टॉक में अपना कर चलनी चाहिए। देखिए दोस्तों आपके सामने IRCTC का 15 मिनट्स का चार्ट हमने लगाया हुआ है। आप अगर कल देखें तो 25 नवंबर को साफ देख सकते हैं यहाँ पर हमें क्लोजिंग जो है वो देखने को मिलती है और वो मिलती है 862.62 रुपये के करीब। यहीं से ही देखिए दोस्तों आज गैप डाउन ओपनिंग स्टॉक की होती है और फिर इसके बाद देखिए यहाँ से गिरावट जो है वो होती चलती है और देखिए नीचे की तरफ स्टॉक जो है वो क्लोजिंग बनाता है और शानदार क्लोजिंग बना देता है स्टॉक और वो बनाता है दोस्तों 820.08 रुपये के करीब। उसके बाद देखिए यहाँ पर फिर से आपको अप मूव देखने को मिल रही है और स्टॉक 837 रुपये के करीब अभी ट्रेड करता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। डेली चार्ट बेसिस पर अगर हम देखते हैं तो देखिए डेली चार्ट बेसिस पर भी 837 रुपये पर ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। दोबारा से एक डाउनफॉल यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है लेकिन अगर हम बात करें डेली चार्ट बेसिस पर हमारा जो सपोर्ट है वो अब भी बरकरार है। ये देखिए दोस्तों हमारा सपोर्ट बरकरार है 779 रुपीज़ का हमने आपको सपोर्ट बताया था। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो देखिए फिर नीचे की तरफ लुढ़कता हुआ नज़र आएगा स्टॉक 770 रुपीज़ की तरफ लुढ़कता हुआ नज़र आएगा अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो। लेकिन अगर यहाँ पर ये सस्टेन कर जाता है और फिर से ऊपर की तरफ तेज़ी आ जाती है दोस्तों तो फिर ऊपर के टारगेट हमने जैसे आपको बताया है 1,000 रुपीज़ के टारगेट यहाँ से देखने को मिल सकते हैं ऊपर की तरफ। लेकिन हमारे हिसाब से दोस्तों यहाँ पर जैसे ही आपको पता ही होगा कि ओवरऑल मार्केट बुरी तरीके से आज के दिन क्रैश हो चुका है। मेटल हो निफ्टी 50 हो सेंसेक्स हो ओवरऑल आज भयंकर गिरावट मार्केट में हमें देखने को मिल रही है तो इसके आसार बहुत कम है दोस्तों हमारे हिसाब से और भी स्टॉक में यहां पर गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। तो अब हम बात करते हैं क्या रणनीति हमको IRCTC स्टॉक में अपना कर चलनी चाहिए। देखिए आपको क्या करना है दोस्तों 779 रुपीज़ का जो स्टॉप लॉस है उसे बिल्कुल ध्यान से यहां पर ट्रैक करते आपको चलना है। अगर ये स्टॉप लॉस ब्रेक होता है तो डेफिनेटली आपको यहां से एग्जिट कर लेना है क्योंकि दोबारा कभी ना कभी तो नीचे की तरफ आपको दोबारा एंट्री करने का मौका ज़रूर मिलेगा। लेकिन दोस्तों अगर भयंकर गिरावट होती है तो आपको लॉस होने के चांसेस ज़्यादा हैं तो यही करना है दोस्तों 779 रुपीज़ के स्टॉप लॉसेस पर बिल्कुल ध्यान लगाकर चलना है। और अगर आप यहां पर फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं दोस्तों थोड़ा आपको वेट अभी करके चलना चाहिए। जैसे ही फ्रेश बाइंग का मौका आएगा हम ज़रूर बताएंगे आपको लेकिन अभी आपको केवल वेट एंड वॉच करना है इस स्टॉक के अंदर। तो यही बताने के लिए हमने वीडियो बनाई थी। यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों अपनी खुद की एनालिसिस खुद की रिसर्च ज़रूर करें क्योंकि ये केवल हमारा ओपिनियन था। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।